दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है, लेकिन कई माएँ ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ही फॉर्मूला मिल्क पिलाना शुरू कर देती हैं। अक्सर बोतल से इस तरह के दूध को दिया जाता है, लेकिन बच्चा बड़ा होते होते भी बोतल से ही दूध पीता है और गिलास या कप में दूध देने पर रोने लगता है। तो जरूरी है कि उसकी बोतल से पीने की आदत को खत्म किया जाए। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि बच्चे की बोतल की आदत छुड़ानी चाहिए और किन टिप्स की मदद से बोतल से दूध पीने की आदत को छुड़ाया जा सकता है। किस उम्र तक बच्चे को बोतल से दूध पीना चाहिए? एक अमेरिकी रिसर्च के अनुसार 1 से 2 साल के बच्चे को बोतल से दूध देना चाहिए। 2 साल के अंदर अंदर बच्चे को बोतल से दूध देना बंद कर देना चाहिए। बोतल से दूध पिलाने से हेल्थ को नुकसान। बच्चा अगर 2 साल का होने के बाद भी बोतल से दूध पी रहा है तो उससे उसकी हेल्थ को नुकसान होने लगता है। बोतल से दूध पीने की वजह से बच्चे में मोटापे की समस्या हो जाती है। सोते समय बच्चा अगर दूध बोतल से पी रहा है तो इससे दांतों में सड़न होने लगती है। दूध की नेचुरल मिठास ही दांतों में कैविटी की वजह बनती है। बोतल से दूध हमेशा लेटकर बच्चे पीते हैं, जिससे उनके कान में इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। दरअसल लेटकर दूध पीने से दूध गले के पीछे यूस्टेशियन ट्यूब के पास गिर जाता है, जिससे संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। बोतल चूसने के बच्चे के चेहरे का शेप बिगड़ने का डर रहता है, इससे चेहरे की मांसपेशियों पर भी असर पड़ सकता है। बहुत सारे बच्चे 2 साल के बाद भी बोतल से दूध पीते हैं। उनके दांतों की बनावट में गड़बड़ी आने लगती है और दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अब बताएंगे कि बच्चे की बोतल की आदत किस तरह से छुड़ाई जा सकती है। बच्चे जब 1 साल के बाद बोतल को खुद से पकड़ना शुरू कर देते हैं तो उस समय उनके हाथ में कप देना शुरू कर दें। बच्चे को 8 से 10 महीने का होने के बाद दूध के साथ दूसरे तरल पदार्थ कप में देने चाहिए, जिससे उसकी कप पकड़कर पीने की आदत बनी रहे। बोतल की जगह आप बच्चे को सिप्पी कप दें। कलरफुल सिप्पी कप को देखकर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और दूध पीने की कोशिश करते हैं। बच्चे की बोतल छुड़ानी है तो कप से दूध देते समय उसे टेस्टी और गाढ़ा बनाकर दें, जिससे उसे कप वाले दूध में टेस्ट आए और वो बोतल के दूध को कम पसंद करे। बच्चे की बोतल 1 दिन में नहीं छूटेगी, इसे छुड़ाने में समय लगेगा। पहले दिन में 1 बार और फिर धीरे धीरे कप से दूध पिलाने की मात्रा बढ़ाएं। इसके साथ ही बच्चे को 6 महीने के बाद अनाज और ठोस आहार देना शुरू कर दें, जिससे बच्चा केवल दूध से पेट भरने के लिए डिपेंड ना हो। इससे बच्चे की बोतल छुड़ाने में आसानी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो में ये बताई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।